ये मुझे तो कुछ दिन याद आते हैं। पहले भी अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष आते थे देश में, पर जब वो पहले आते थे तो न्यूक्लियर डील की बात होती थी, फार्मा इंडस्ट्री के पेटेंट्स के जो इश्यूज है उसकी बात होती थी, H-1B वीज़ा में क्या समस्याएं हैं उनकी बात होती थी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को और कैसे US से उनके लिए बिजनेस लाया जाए उसकी बात होती थी, एनर्जी सिक्योरिटी भारत की कैसे बने उसकी बात होती थी। आज बात क्या हो रही है कि गरीबी छुपाने के लिए 8 फीट ऊंची दीवार लगा दो। आज बात ये हो रही है कि 900 क्यूसेक पानी यमुना जी में छोड़ दिया जाए ताकि ट्रंप साहब को बदबू ना आए ताज जब वो घूमने जाए। आज बात हो रही है, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 70 लाख लोगों की बात करी थी, कभी कहते हैं 1 करोड़ लोग होंगे या नहीं होंगे। मतलब मुझे लगता है कि वो भी क्या दिन थे और आज भी क्या दिन है कि जब राष्ट्राध्यक्ष और कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका का आए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आना चाहिए, इससे व्यापार बनता है। पर मैं बार बार पूछता हूँ कि मोदी जी गए तो वो ट्रंप जी कह रहे हैं मैंने 50,000 का हाउडी किया तो अब आपको 70 लाख लोगों का नमस्ते करना पड़ेगा। अरे हम सब देश के लोग आपको नमस्ते करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, पर मेरा सवाल सरकार से है कि वो 7 फीट ऊंची गुजरात के लोगों को ट्रंप से क्यों छुपा रहे हैं? वो गुजरात के लोग इतने खराब लगते हैं मोदी जी को कि वो ट्रंप से उनको छुपा रहे हैं? अरे गुजरात के लोगों का तो वाह, जो बड़प्पन है, गुजरात के लोगों का लोहा है, वो तो अमेरिका तक मानता है क्योंकि वो उद्यमशीलता की मिसालें कायम करते हैं। वो मोदी जी किसको छुपा रहे हैं 8 फीट ऊंची दीवार लगवा के? वो मोदी जी 70 लाख लोग से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ट्रेड डील पे ध्यान दो। आज जो डेलिंग जो रिजेक्शन रेट है H-1B वीज़ा की, वो पिछले 3-4 सालों में 300% तक बढ़ा है, उसके बारे में ध्यान दो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को व्यापार कम दिन ब दिन कम होता जा रहा, उस पर ध्यान दो। फार्मा के जो पेटेंट्स के इश्यूज़ हैं उन पर ध्यान दो। और हमारे क्या बात हो रही है, गरीबों को छुपाओ, गुजरात के लोगों को दिखाना नहीं चाहते? उनका रंग इतना ख़राब है प्रधानमंत्री जी, क्या आप उनको दिखाना नहीं चाहते? क्यों नहीं दिखाना चाहते, क्या छुपाना चाहते हो? और ट्रेड के बारे में, डील के बारे में आप गए थे हाउडी मोदी कार्यक्रम में, उसका क्या आउटपुट आया बताते देश को? हमने भी पूछा। देखिए बाहर जाना प्रधानमंत्री के लिए खराब नहीं है, पर देश को क्या मिला प्रधानमंत्री बताए तो सही कि क्या H-1B वीज़ा का रिजेक्शन ख़त्म हो गया? क्या H-1B वीज़ा का जो पहले कोटा 70% था वीज़ा का, वो आज 10% 15% पे क्यों आके रुक गया, क्या उसके बारे में बताएं? क्या जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज में छोटे हमारे उद्योगों को अमेरिका इंपोर्ट करते थे वो सामान तो कम कस्टम्स ड्यूटी लगती थी, जो उसका रियायत मिलती थी, आज वो बंद हो गई, उसके बारे में बताएं वो देश को? तो अब देश इन चीज़ों से ऊब चुका है। ये बड़े बड़े 60 लाख 70 लाख, अरे 70 लाख नहीं, पूरा देश ट्रंप जी का स्वागत कर रहा है, पर ट्रंप जी और मोदी जी क्या व्यापार करते हैं देश के हितों में, वो देश इंतज़ार कर रहा है। 900 क्यूसेक पानी यमुना जी में छोड़ के आप उसकी बदबू मिटाने की जो बातें कर रहे हो, आप बार बार बात कर रहे हो 70 लाख होंगे 80 लाख होंगे, उन चीज़ों में अब मतलब देश के नौजवानों की, देश के लोगों की कोई रुचि नहीं है।